गाइस, आज है 9 तारीख 9 जून और सुबह के बज रहे हैं 7। और जैसा कि आज मैं वीडियो बनाने वाला था, मैं अपनी वीडियोस बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, कैमरा, ट्राइपॉड, माइक यूज़ करता हूँ, वो सब मैं आपको दिखाने वाला था। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी काम था, तो इस समय मैं आया हूँ कुड़िया घाट पे अपनी बहनों के साथ। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, घंटाघर है और पिक्चर गैलरी है और सतखंडा भी है वहाँ पे। इन जगहों पे मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं भी देखी है तो आप देख सकते हो। तो मेरी सिस्टर्स का भी एक जो लखनऊ का यानी कि अवध का जो फोक डांस है कथक, उससे रिलेटेड एक चैनल है नृत्य आयाम करके, तो उसकी वीडियो की शूटिंग करनी थी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ से लौटने के बाद फिर मैं आपको अपने इक्विपमेंट दिखाता हूँ। दोस्तों, कितना खूबसूरत नज़ारा है। पहले जब मैं छोटा था तो मैं और मेरे सारे दोस्तों की क्रिकेट की टीम थी, हम लोग यहाँ पे मैच खेलते थे, तब यहाँ पे मैदान हुआ करता था। उसके बाद माननीय मायावती जी ने ये इतना खूबसूरत सा नदी किनारे ये बनवाया हुआ है। और आज से लखनऊ में लॉकडाउन खुल गया, तो जैसा कि आप देख रहे हो सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलने का मतलब ये तो है नहीं कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेने हैं, मास्क नहीं लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हो, 10 सारे लोगों में से बहुत का शायद ही कोई आपको मास्क लगाए हुए दिख रहा होगा। उसके बाद कोरोना होगा, फिर हम सरकार को ब्लेम करेंगे कि भाई सरकार वैक्सीनेशन नहीं करवा रही है। कोई फैमिली ने वैक्सीन लगवा लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम खुद मास्क नहीं लगाएंगे, खुद सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चाहे वो कोरोना हो या कोई और, कोई ना कोई बीमारी तो होती रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे ये शोक सभा हो रही है दैनिक जागरण की तरफ से, जो लोग कोरोना में मारे गए, तो उनके चीफ एडिटर मिल गए थे, तो उन्होंने डांस करते हुए बहनों को देखा, तो न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए पोज में फ़ोटो ले रहे हैं। आप भी कल का दैनिक जागरण ज़रूर चेक करिएगा। और उसमें जो सिस्टर्स का कथक का चैनल है, उसका नाम और सारी डिटेल प्रकाशित होगी, और जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला था अपने सारे इक्विपमेंट जो मैं यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाने में। और उन इक्विपमेंट्स के साथ में मैं उनका रेट भी बता दूंगा, और एग्जैक्ट रेट वैसे मुझे याद नहीं है, और एग्जैक्ट रेट मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चीज़ों के जो दाम है वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वॉइस के लिए, वो होता है माइक। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही माइक है, और ज़्यादातर मैं स्टॉक माइक जो कैमरा में यूज़ होता है वो यूज़ करता हूँ। लेकिन कभी कभार जब मैं थोड़ा डिस्टेंस पे वीडियो बना रहा होता हूँ कैमरा रख करके या मोबाइल रख करके, तो मैं ये माइक यूज़ करता हूँ। ये बोया का MM1 लेवलियर माइक है, और ये 800-900 के अप्रॉक्सीमेट का मैंने लिया था, और इसी के आसपास का अभी भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैमरा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी के साथ और ये स्टॉक लेंस के साथ 18-55 mm लेंस के साथ कैनन का D200 मैंने लिया हुआ था, और ये मेरे को 42-43 हज़ार के अराउंड का मिला था। अब आ जाते हैं एक्शन कैमरे पे। ये मेरा पहला एक्शन कैमरा है जिसमें 4K रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। मैंने कुछ वीडियोज़ में इसके शॉर्ट्स डाले हैं। ईकेन का H9R जो कि मैंने Banggood.com से इम्पोर्ट करवाया था चाइना से, ये आई गेस 3000 के आसपास का मुझे पड़ा था। ये मेरा दूसरा एक्शन कैमरा है जिससे अभी तक मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। और ये DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा है, ये मेरे को अप्रॉक्सीमेट 22,000 रुपये का पड़ा है।
उसके बाद आ जाते हैं एक्शन कैमरे की एक्सेसरीज से। अगली मेरी अगली वीडियो इसी के ऊपर होगी, तो मैं दिखाऊंगा इसमें ये 49:1 है, यानी कि एक पैकेट में टोटल 49 एक्सेसरीज है, जो आपको एक्शन कैमरा आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप से आप शॉट्स ले सकते हैं, उसमें इसका बहुत यूज होता है। और ये है मेरा एल्यूमिनियम का ट्राइपॉड, और ये लाइट वेट ट्राइपॉड है, और ये बेसिकली मैं यूज करता हूँ अपना मोबाइल फोन लगाने के लिए, क्योंकि इसमें DSLR नहीं लगेगा, ये उतना हैवी ड्यूटी नहीं है। तो ये मेरा पहला ट्राइपॉड है, और ये मेरा दूसरा प्रोफेशनल ट्राइपॉड है जो कि मैंने लिया हुआ था स्पेशली DSLR के लिए, और ये ओवरहेड शॉट में भी ये काम आता है लेने में। ये मुझे लगभग 5,500 का पड़ा था, और ये जो प्लास्टिक वाला ट्राइपॉड है ये अप्रॉक्सीमेट 800 या 900 का मैंने पालिका मार्केट से लिया हुआ था दिल्ली से। अब आ जाता हूँ, ये मेरा पहला गोरिल्ला पॉड है, ये लगभग 400 रुपये का था, ये भी मोबाइल लगा करके इसमें हैंड हैंड शॉट लेने में या फिर इसको कहीं पर भी फंसा करके अलग अलग टाइप के शॉट लेने में यूज़ होता है। ये मेरा लेटेस्ट गोरिल्ला पॉड है जो कि इससे थोड़ा बेटर क्वालिटी का है, और ये मैंने 600 या 700 के अराउंड लिया हुआ था। ये सेल्फी स्टिक है, और ये कई बार मोबाइल फ़ोन से जब आप वीडियो बनाते हैं, सेल्फी स्टिक का वैसे यूज़ हर एक को पता है, और जो मेरा एक्शन कैमरे के साथ एक्सेसरीज है इसमें भी एक सेल्फी स्टिक मिली हुई है जो थोड़ा बेटर क्वालिटी की है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा जो पिछली वाली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी वो ख़राब हो गई थी और वो बन नहीं पाई थी, और मैंने गलती ये कर दी थी, वो विद इन वारंटी पीरियड थी, लेकिन मैंने उसको रिपेयर करवाने के चक्कर में एक लोकल शॉप में दिखाया था जिसने उसे ओपन कर दिया था, उसकी वारंटी भी वॉइड हो गई थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर आप कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं और वो ख़राब हो जाती है और विद इन वारंटी पीरियड है, तो आप उसे रिपेयर करवाने मत जाइएगा किसी लोकल शॉप पे, शोरूम पे ही जाइएगा, क्योंकि अगर वो रिपेयर नहीं हो पाएगी ऑथराइज डीलर तो उनको रिप्लेस करके आपको दूसरी हार्ड डिस्क दे देंगे, केवल उसके डेटा का लॉस होगा। तो ये मुझे लगभग 5,500 रुपये के आसपास पड़ी थी, और ये 1 TB की है। उसके बाद आ जाते हैं, ये मेरा लिनोवो का लैपटॉप है, और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, 5,500 का मिला था। इसमें 8 GB की रैम है, 2 TB की इसकी हार्ड डिस्क है, 2 GB इसका ग्राफिक कार्ड है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका, जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोस एडिट करने में करता हूँ, जो मैं फिल्मोरा से करता हूँ, अदरवाइज मैं अपने मोबाइल से भी एडिट करता हूँ। गाइज ये टोटल मेरी 12 एक्सेसरीज थी, उसके अलावा केवल एक एक्सेसरीज है जिससे ये वीडियो बन रही है, 4K 30 FPS में इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये मेरी रेडमी का Note 8 Pro है, और 64 MP का इसका कैमरा है, और मेरे YouTube में जितना भी 90% से ज़्यादा काम होता है वो इसी फ़ोन के ही कैमरे से होता है, और ज़्यादातर मैं जो वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो फ़ोन से ही करता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट करने के बाद जो एक्सपोर्ट होता है वो मेरे फ़ोन में ज़्यादा फास्ट होता है कंपैरेटिवली मेरे लैपटॉप पे। तो दोस्तों ये मेरी सारी एक्सेसरीज है, और बिल्कुल शॉर्ट में मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, इसमें ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा कि मैं अपना 90% काम अपने फ़ोन से कर रहा हूँ, अगर आप भी अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हो एज अ हॉबी, एज अ शौक, या फिर किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपके पास एक फ़ोन है, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं अभी स्टार्टिंग में केवल 10% ही यूज़ में लाता हूँ, और 90% काम अपने फ़ोन से मैं करता हूँ, जो बिल्कुल एक बेसिक फ़ोन है जो मैंने लगभग 16,000 रुपये का लिया हुआ था। तो आप भी अपने फ़ोन से वीडियोज़ बना करके यूट्यूब पर अपना स्टार्टअप कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अगर ना पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।